हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दिवाली के लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं, तो आप लोग देखकर समझ ही गए हों कि आज क्या बनने वाला है मेरे किचन में। तो आज हम बना रहे हैं कुछ मिठाई की रेसिपी। तो इसके लिए हम पहले कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें हम 4 चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे। घी में मिठाई बहुत अच्छी बनती है, इसलिए कोशिश करें कि घी में ही मिठाई बनाया जाए। तो घी पिघल गया है, अब इसमें हम 1 कप सूजी डालेंगे, बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी है तो उसे मिक्सर जार में चलाकर थोड़ा बारीक कर ले। तो बारीक वाली सूजी हम ले लिए हैं 1 कप। और सारा मेजरमेंट हम एक ही कप सेट कर लेंगे और उसी से लेंगे। यहाँ पर सूजी को हल्का सा भूनने के बाद यहाँ पर हम डाल दिए हैं 1 कप बेसन। बेसन और सूजी साथ साथ भूंजेंगे। तो देखिए, सूजी और बेसन में थोड़ा घी कम लग रहा था, तो 1 चम्मच घी हम और डाल दिए हैं। घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसी में थोड़ा भूनने के बाद हम 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, नारियल का बुरादा। इसे भी साथ में हल्का सा भूनना है, कोकोनट को ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ये इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। जैसे ही खुशबू आने लगे नारियल का, तो आप इसे निकाल लें। हमारा सूजी और बेसन अच्छे से भून गया है। अब वापस इसी कढ़ाई में हम यहाँ पर उसी कप से 2 कप नाप कर चीनी लेंगे और 1 कप पानी डालेंगे उसमें। यहाँ पर हमें चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी को पानी में अच्छे से घोलना है और शुगर सिरप बनाना है। तो देखिए, चीनी अच्छे से घुल गया है पानी में। अब यहाँ पर हम इसी में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसे अच्छे से पानी में पिघलने देंगे, जिससे ये अच्छे से पिघल जाएगा। आपको पानी थोड़ा गंदा दिख रहा है, तो ये गंदा नहीं है। इसी में हम सूजी भूने थे इसी कढ़ाई में, इसलिए पानी का कलर हल्का पीला हो गया है। अब ये अच्छे से घी पानी में घुल गया है, तो हम गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर हम 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर भी हमें उसी कप से नाप कर लेना है, इसलिए जितना भी इसमें मेजरमेंट है सारा आप एक ही कप से नाप कर लेंगे, तो आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, यहाँ पर हम डाल दिए हैं मिल्क पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे पानी में घोलते जाना है, शुगर सिरप में घोलते जाना है। जब ये अच्छे से घुल जाएगा तो गुठलियाँ जितनी सारी दिख रही हैं सभी खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें सारा पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और इसे घोल लेना है। देखिए, ये अच्छे से घुल गया है। अब हमें क्या करना है, गैस को वापस हम जला लेंगे और धीमा कर देंगे। एकदम धीमे में रखना है गैस को हमें। और जो हम बेसन सूजी नारियल का मिक्स तैयार किए थे भून के, उसे सारा इसमें डाल देना है और धीमी गैस में इसे हमें अच्छे से पकाना है। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से दोस्तों आप सूजी और बेसन की बर्फी बनाएंगे, कोई भी गलती नहीं होगी, आपका बर्फी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। देखिए, बिखरेगा भी नहीं और जमने में भी आसानी होगा। देखिए किस तरह से हम धीमी आंच में एकदम इसे पकाना है। सूजी और बेसन को तो हम पहले ही भून लिए थे, अब इसमें हम ताजी कूटी हुई इलायची डालेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी काट कर डाल सकते हैं, आप अपनी अपनी पसंद है। तो देखिए, इस तरह से आप इसे लगातार चलाते हुए करेंगे और देखिए इसमें कितने अच्छे से ये कढ़ाई छोड़ने लगा है और ये गाढ़ा भी हो गया और इसमें जाली भी बन रहा है। तो अब इसकी यही पहचान है कि ये अब जमने लायक हो गया है। तो इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे और एक ट्रे में बटर पेपर लगाकर, घी लगाकर तैयार रखे थे उसी में सारा बैटर हमें डाल देना है। देखिए कितने अच्छे से जाली बना है, इसमें जाली आप देख सकते हैं। अब 1 चम्मच से हम इसे अच्छे से एक सा फैला देंगे, ऊपर से चिकना कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें चिकना कर लेना है। अब चाहे तो आप इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, या फिर बादाम कतरन, पिस्ता कतरन, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं, इस पर काट कर सजा सकते हैं इसे अच्छे से। और इसे सेट होने के लिए रख देंगे, ये हल्का सेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें कटिंग का निशान लगाएंगे। देखिए, जो भी बादाम वगैरह हम डाले हैं इस पर, इसे चम्मच से थोड़ा थोड़ा दबा दे रहे हैं। तो देखिए, हल्का सेट हो गया है ये।
अब इसमें हम चाकू से कट का निशान लगाएंगे। कट का निशान अभी इसलिए लगाएंगे कि बर्फी अगर एक बार जम जाएगी तो काटने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए अगर अभी कट का निशान लगा देंगे तो ये आराम से कटेगी। तो देखिए बर्फी सेट हो गई है अच्छे से, देखिए कितने आराम से ये निकल गया ट्रे से। अब इसे हम पूरा कट करेंगे। देखिए इस तरह आपको जो भी आकार पसंद है आप अपने पसंद के अनुसार कट लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बर्फी, लाजवाब टेस्टी बर्फी बनकर तैयार हुई दोस्तों। तो इस दीपावली आप ये बेसन सूजी की बर्फी बनाइए, एकदम अच्छी बर्फी बनकर तैयार होगी आपसे भी, और बाहर की मिठाई का जरूरत भी नहीं है।